नमस्कार दोस्तों, अभी अभी दो मिनट पहले की सबसे बड़ी खबर इस वक्त आ रही है राजस्थान से। राजस्थान में लगातार 5 दिनों तक छुट्टी मिलने वाली है। इस दौरान स्कूल, कॉलेज, बैंक और कई अन्य दफ्तर बंद रहेंगे। मानसून के दौरान आप सभी लॉन्ग वीकेंड के रूप में एंजॉय कर सकते हैं। राजस्थान सरकार के शिक्षा मंत्री मदन दिलावर ने शीतकालीन अवकाश को लेकर यह फैसला लिया है कि जब सर्दी ज़्यादा पड़ेगी तो उन दिनों अवकाश दिए जाएंगे, यानी कि पहले से कोई तारीख तय नहीं की जाएगी। यह पहली बार हो रहा है कि शीतकालीन छुट्टियों की डेट फिक्स नहीं की गई है। फिलहाल इन दिनों 13 सितंबर से लेकर 17 सितंबर तक 5 दिनों की छुट्टियों का एंजॉय किया जा सकेगा। शुक्रवार 13 सितंबर के दिन रामदेव जयंती, खेजड़ली शहीद और तेजादशमी दिवस है। इस मौके पर सभी सरकारी और निजी स्कूलों में अवकाश रहेगा। 14 सितंबर को दूसरा शनिवार होने की वजह से बैंकों और कई दफ्तरों में अवकाश रहेगा। वहीं निजी स्कूलों में भी छुट्टी रहेगी। 15 सितंबर को रविवार होने के कारण सभी स्कूल, बैंक, कॉलेज भी दोस्तों बंद रहेंगे। इसके अलावा 16 सितंबर को ईद ए मिलाद के अवसर पर, जो पैगंबर मोहम्मद के जन्मदिन के रूप में मनाया जाता है, इस दिन भी अवकाश रहेगा। वहीं 17 सितंबर को बांसवाड़ा जिले में अनंत चतुर्दशी के मौके पर स्थानीय अवकाश घोषित किया गया है, जिसकी वजह से यहां के कर्मचारियों और विद्यार्थियों को एक दिन की अतिरिक्त छूट मिली है। इस दौरान पूरे राजस्थान में तो 4 दिनों की छुट्टी रहेगी, जबकि बांसवाड़ा जिले में एक दिन अतिरिक्त कुल मिलाकर 5 दिनों का अवकाश रहेगा। तो बहुत बड़ी खबर इस वक्त आ रही है, राजस्थान में 5 दिनों की छुट्टी की घोषणा कर दी है। आज रात से ये छुट्टी शुरू हो जाएंगी, जो कि 17 सितंबर तक जारी रहेंगी। कुल मिलाकर दोस्तों 5 छुट्टियों का ऐलान किया गया है। इन छुट्टियों में आप मानसून का आनंद उठा सकते हैं। लेकिन दोस्तों इस समय राजस्थान के अंदर ज़बरदस्त बारिश हो रही है। बारिश के चलते भी भरतपुर, धौलपुर, अजमेर के अंदर स्कूलें बंद हैं। बहुत ही बड़ी खबर इस वक्त आ रही है राजस्थान से। आप अपने राय कमेंट